गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाम से क्लियर हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस में कोई रेवोल्यूशन हुई होगी जिसको कि टर्म किया गया एज फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं? रेवोल्यूशन की डेफिनेशन है व्हेन मैनी पीपल कम टुगेदर टू ब्रिंग अ पॉलिटिकल चेंज इन शॉर्ट टाइम पीरियड. जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाते हैं छोटे टाइम पीरियड में, उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं. ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. अब जो एक डेट है 14 जुलाई 1789 और जगह है पेरिस. ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेट है. कहाँ पर? फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 3 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डेट क्यों नेसेसरी थी. इस दिन नियर अबाउट 7000 पीपल गैदर्ड. कितने? 7000 लोग इकट्ठा हुए थे. किस लिए? टू फाइट विद द किंग बिकॉज ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ हिज स्टेट. क्योंकि जो उनके देश का जो राजा था, द किंग, बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं था किसके लिए? अपने प्रजा के लिए, अपने जो उनके किंगडम के जो लोग थे उनके लिए बिल्कुल भी वो बॉदर्ड नहीं था. ही वॉज ओनली बॉदर्ड अबाउट हिज क्वीन और हिज स्टेट, वट एवर, हिज ओन प्रोविंस, बट नॉट अबाउट द पीपल. सेकेंड पॉइंट, जो मॉब था, मतलब जो लोग थे. मॉब यहाँ रेफर करता है जो लोगों की भीड़ थी उससे. जो मॉब था दे हैड गन्स एंड दे कैप्चर्ड द बेस्टाइल जेल. जो वहाँ की एक जेल थी उसका नाम था बेस्टाइल जेल. और उसको उस जेल से लोगों को बहुत नफरत थी. क्यों? क्योंकि जो बेस्टाइल जेल थी वो दिखाती थी क्या, वो शो करती थी द पावर ऑफ द किंग. वो किंग की पावर को शो करती थी. क्यों? क्योंकि द किंग हैड द पावर टू कैप्चर एनी ऑफ द सिटीजन ऑफ द सिटी और कंट्री एंड पुट हिम बिसाइड द बिहाइंड द बार्स. तो जो भीड़ थी वो इतने गुस्से में थी कि उन्होंने बेस्टाइल जेल को कैप्चर कर लिया. एंड एग्रेसिव पीपल इवन किल्ड द कमांडर ऑफ द जेल एंड रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स. जो वहाँ का जो जेल का जो कमांडर था, जो सिपाही खड़ा था हिफाजत के लिए, जो एग्रेसिव लोग थे उन्होंने, वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जो वहाँ के कमांडर था उसको तक मार दिया था और जितने भी कैदी जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया था. Before going further, we must know about the king. So now let's study about the king first. Who was the king? The king was Louis XVI. जो राजा था उसका नाम था Louis XVI. और जो उसकी फैमिली थी वो कौन सी फैमिली थी? बर्बन फैमिली को वो बिलोंग करता था. In 1774 में उसे राजा बना दिया गया था. He was made the king. And at the age of 20, जब वो 20 साल का था, he got married to a princess of Austria. ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से वो उसकी मैरिज हो गई और उस प्रिंसेस का नाम था प्रिंसेस मारिया. आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द किंग, नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीजंस ऑफ रेवोल्यूशन एंड हाउ इट स्टार्टेड. तो अभी हमने जाना कि एट दैट टाइम वहाँ का जो किंग था वो था लुईस 16. और जब लुईस 16 ने अपना जो किंगडम था उसको संभाला, तब तक जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी, मतलब जो गवर्नमेंट का खजाना था, वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका था. अब तो क्या रीजंस थे इस रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के? पहला रीज़न था वॉर्स. तो जो हमारा फ्रांस था उसे लड़ाई झगड़े का बहुत शौक था, बहुत शौक था वॉर्स का. तो क्योंकि वॉर्स बहुत लंबे चलते थे इसलिए जो उनका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी या जितना भी फाइनेंशियल उनके बजट्स वगैरह थे, वो मैक्सिमम बजट्स जो है वो वॉर्स को सपोर्ट करने में निकल जाते थे. सेकंड था हमारा रीज़न पैलेस ऑफ वर्साइल. फ्रांस में एक जगह थी उसका नाम था वर्साइल और वहाँ पर एक पैलेस था जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर था इसलिए उसकी जो मेंटेनेंस थी वो भी बहुत कॉस्टली थी. तो जो गवर्नमेंट थी उसका एक मेजर पोर्शन ऑफ इनकम जो है उस पैलेस ऑफ वर्साइल को मेंटेन करने के लिए भी चला जाता था. द थर्ड रीज़न इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज. अब
ब्रिटेन जो है वो फ्रांस का बहुत दुश्मन था, इवन दे बोथ वर एनिमीज टू ईच अदर। तो ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज पर कब्जा किया हुआ था और फ्रांस ने उन 13 कॉलोनीज को आज़ादी दिलवाई थी ब्रिटेन से, और बिकॉज दे वर एनिमीज तो दिस वॉज अ मेजर रीज़न फॉर वॉर अगेन। और क्योंकि ये वॉर था और ब्रिटेन वॉज वेरी स्टेबल एट दैट टाइम, तो उनको फ्रांस को ये वॉर को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हद तक कर्जा लेना पड़ा। और 1794 में जो उनकी करेंसी थी लुअर, जिसको हम बोलते हैं, वो बंद हो गई, उसको बैन कर दिया गया। और तब तक जो फ्रांस था उसके ऊपर 2 मिलियन का डेब्ट चढ़ चुका था। द नेक्स्ट रीज़न वॉज रेट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्योंकि फ्रांस काफ़ी डेब्ट ले चुका था और जिन्होंने भी फ्रांस को डेट दिया था उन्होंने काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। किससे? फ्रांस से। नियर अबाउट 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया अपनी जो भी उन्होंने अमाउंट दी थी फ्रांस को। और इस वजह से क्या होता था कि जो मेजर फाइनेंशियल पोर्शन होता था इनकम का फ्रांस का, वो चला जाता था किसमें? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने में। द लास्ट रीज़न इज अदर मिसलेनियस स्टफ, जो बाकी की चीज़ें हैं लाइक पोस्ट ऑफिस या यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस या फिर सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जितने भी अदर ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जो कि ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट को अपना करना, तो बाकी थोड़ा सा जो मेजर पोर्शन था इनकम का वो भी इस चीज़ में चला जाता था। एंड दीज वर द 5 रीजन्स ड्यू टू विच गवर्नमेंट हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस। इस वजह से, इन 5 रीजन्स की वजह से गवर्नमेंट को अपनी जो इनकम थी लोगों की उसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। एंड क्योंकि हमें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी जो टैक्सेस थे वो नहीं पे करते थे, तो सारा ऑल टैक्स बर्डन वॉज ऑन द थर्ड एस्टेट।